बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना इलाके के चूली गांव में बुधवार शाम को एक दुखद सड़क दुर्घटना सामने आई। तेज रफ्तार से आ रही बोलेरो कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर घायल हालत में उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलने पर ग्रामीण थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया। रात को शव को हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस के अनुसार लूणू खुर्द गांव निवासी प्रेम सिंह उम्र 38 वर्ष पुत्र चैन सिंह बुधवार शाम को बाइक पर भादरेस पावर प्लांट जा रहा था। चूली गांव में अचानक सामने से आई बोलेरो गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। इससे युवक प्रेम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने निजी वाहन की सहायता से उसे बाड़मेर जिला अस्पताल लेकर आए। वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को जब्त किया गया। वहीं शव को हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। घटना चूली की है, चूली सर चूली की। गणपत सिंह चैन सिंह ने रिपोर्ट दी है कि उसका भाई कल 20/11/2024 को प्लांट के कान कार्य करने के लिए जा रहा था। 5:01 बजे चूली के सरद चूली में रोड एक्सीडेंट हुआ, जिससे उसको इलाज हेतु बाड़मेर लाए। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। अगली कार्रवाई चालू। गाड़ी बोलेरो कैंपर है और उसका भाई है प्रेम सिंह सनोप चैन सिंह राजपूत, उम्र उसकी 38 साल है, निवासी लूणू खुर्द का। दोनों वाहनों को सुरक्षित खड़ा करवाया। दुर्घटनाग्रस्त और दुर्घटनाकारित वाहनों को थाना परिसर में सुरक्षित खड़ा करके प्लांट मजदूरी करने के लिए जा रहा था। ग्रामीण थाने के SI ने बताया कि बाइक सवार युवक घर से पावर प्लांट काम पर जा रहा था। इस दौरान बोलेरो कार ने उसे टक्कर मार दी। मृतक के भाई गणपत सिंह की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। वहीं पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।